ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी युवराज सिंह की। जब युवराज का बल्ला मैदान पर हल्ला बोलता था, तब दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते थे युवराज सिंह के सामने आने से। अब मैदान पे युवराज का जितना तेज बल्ला चलता था, उतना ही तेज उनका गुस्सा भी था। हालांकि इस मैच से पहले तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने युवराज का रौद्र रूप नहीं देखा था, और तब युवराज टीम इंडिया में नए नए ही आए थे। यही कारण था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम युवराज को एक साधारण सा खिलाड़ी समझ करके उसे हल्के में ले रही थी। और इसी भ्रम में पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने युवराज से पंगा ले लिया था, जिसका पलटवार करते हुए जब युवराज ने पाकिस्तान पे धावा बोला था, तो युवराज के गदर से तितर बितर हो गया था पाकिस्तान। और शेर की दहाड़ लगाकर युवराज ने अफरीदी को सिखाया था ऐसा सबक जिसे याद करके आज भी अफरीदी कांप उठता होगा। पाकिस्तान में गदर मचा देने वाली युवराज की सुनामी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि पंजाब के किंग युवराज सिंह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये निर्णायक मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर में खेला जा रहा था, और कहते हैं ना कि अपने घर पर तो कुत्ता भी शेर होता है, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान टीम का भी था। पाकिस्तान का होम ग्राउंड, पूरा का पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पाकिस्तान का घमंड सातवें आसमान पे। लेकिन भारतीय टीम भी पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से अपना कमर कस चुकी थी, और फिर शुरू होता है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का ये महामुकाबला, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पाकिस्तान का ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं खोया था और स्कोर बोर्ड पर 62 रन भी लगा दिए थे। लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता श्री संत ने 11वें ओवर में कामरान अकमल को आउट करके दिलवा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 286 रनों तक ले आए थे, जो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से एक ठीक ठाक टारगेट लग रहा था। यही कारण था कि भारत के सामने 286 रनों का स्कोर टारगेट में रख करके पाकिस्तान की टीम फूले नहीं समा रही थी, और उनका घमंड एक बार फिर से भारत के सर पे चढ़कर बोलने लगा था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बाद उनके कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि अजी इंशाअल्लाह हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग का अटैक है जो भारतीय टीम को 250 रनों के अंदर ही समेट करके रख देगी। लेकिन पाकिस्तान की ये बड़बोलेपन वाली बात तो भैया कोई नई बात नहीं थी, कौन कितना पानी में था ये तो बस थोड़ी देर के बाद पता चल जाने वाला था। फिर गर्मा गर्मी के इसी माहौल में शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां गौतम गंभीर के साथ कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। हालांकि शुरुआती ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के पैर बांध रखे थे। पाकिस्तान वाले तो ऊपर वाले का शुक्र मना रहे थे कि इस मैच में सचिन, सहवाग और गांगुली खेल नहीं रहे थे, और यही कारण था कि पाकिस्तान के गेंदबाज द्रविड़ और गंभीर पर अपना रौब झाड़ रहे थे। टीम इंडिया एक बेहद धीमी शुरुआत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिससे 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने तो कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन रन भी कुल मिला जुला करके सिर्फ 40 ही बने थे, जिसके कारण रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ते ही जा रहा था। और फिर इसी रन गति की रफ्तार को बढ़ाने के प्रयास में 15वें ओवर में गौतम गंभीर 50 बॉल पे 38 रन बना करके पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर महज 65 रन ही बनाए थे। और अब मैदान पर द्रविड़ का साथ देने के लिए आते हैं खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी और पंजाब का किंग, जिसका नाम है युवराज सिंह। युवराज आज पाकिस्तान के लिए ऐसा तबाही का मंजर लेकर के आए थे जिस बात से पूरा पाकिस्तान अभी तक पूरी तरह से अनजान था, लेकिन युवराज ने आते ही एक
खूबसूरत चौका जड़ करके पाकिस्तान को इस तबाही के संकेत दे दिए थे। इसी बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी युवराज को स्लेज करने की भी कोशिश करते हैं, जिसका माकूल जवाब देते हुए युवराज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए थे। एक छोर से युवराज तो पाकिस्तानियों के लिए आग का गोला बने हुए थे, लेकिन दूसरी छोर पे द्रविड़ ने शायद इस मैच को टेस्ट मैच समझ लिया था, जिन्होंने पूरे 82 बॉल खेलने के बाद मुश्किल से 50 रन ही बनाए थे। द्रविड़ के आउट होने के बाद युवराज सिंह का साथ देने और भारतीय टीम को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दस्तक देते हैं। अब तक 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 130 रन ही बनाए थे, यानी कि अब बाकी बचे 20 ओवर में ही टीम इंडिया को 157 रन बनाने थे, लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। टीम इंडिया के लिए ये काम मुश्किल तो जरूर था, लेकिन जब तक धोनी और युवराज की जोड़ी मैदान पर थी तब तक भारतीय फैंस की उम्मीद भी जिंदा था। और फिर धोनी और युवराज ने इस मैच को T20 का मैच बना करके खेलना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट पाकिस्तान की लाहौर में तांडव मचाने लगा था, वहीं दूसरी छोर से युवराज तो बॉल को उठा उठा करके इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे थे कि युवराज के इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान का ठीक वैसा ही हाल हो गया था जब वीर हनुमान ने लंका में आग लगा डाली थी। युवराज और धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया का रन रेट भी अब तेजी से आगे बढ़ने लगा था, और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 32 गेंदों में ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी लगा डाली थी। युवराज और धोनी पाकिस्तान की गेंदबाजी का मजाक बनाते हुए गदर मचा रहे थे, और फिर युवराज ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उसके बाद तो युवराज ने पाकिस्तान के लाहौर के इस स्टेडियम में बाउंड्री की ऐसी बरसात करी कि लाहौर का ये स्टेडियम युवराज के चौके छक्कों से भीग चुका था। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी पाकिस्तान पे कहर बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और अब तक धोनी का भी अर्धशतक पूरा हो चुका था। वहीं युवराज तो राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, और फिर देखते ही देखते युवराज ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक भी ठोक डाला। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी 56 बॉल पे 78 रनों की कमाल लाजवाब और बेमिसाल पारी खेल डाली, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने 47वें ओवर में ही पाकिस्तान को पूरे के पूरे 8 विकेट से हार के मजे चखा दिए थे। इसीलिए तो भैया जलते को आग कहते हैं, बहते को पानी कहते हैं, और क्रिकेट के मैदान पर खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी को युवराज सिंह कहते हैं। तो अपनी आतिशी बल्लेबाजी से पाकिस्तान को दहला देने वाली युवराज सिंह की सुनामी वाली पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।